वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी में काफी कुछ पढ़ चुके हैं हमने, बेसिक फिर डिफेंस मैकेनिज्म, इदिगो सुपर इगो, फ्रॉइड की थ्योरी, उसके क्रिटिसिज्म, काफी कुछ पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अपने फाइनल वीडियो पे, फाइनल टॉपिक पे, फ्रॉइड की जो पर्सनालिटी में है वो है पर्सनालिटी टेस्ट, की कैसे टेस्ट बनाए जाते हैं पर्सनालिटी, और कितने टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है, क्या कैटेगरीज है उनकी, क्या अच्छा क्या बुरा है उनमें, और कितने मतलब क्या है वो टेस्ट, और क्यों हम यूज करते हैं उन टेस्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट हैं हम एक इंसान के बारे में पता लगाने के लिए, बहुत सारे टाइप के पर्सनालिटी टेस्ट को यूज करते हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया जहां से आपको पढ़ना है, तो आपको पता चलेगा कि पर्सनालिटी टेस्ट की दो कैटेगरीज हैं, जिनको कुछ बुक्स में तीन में बांट रखा है, बट एक्चुअली तीन नहीं है, दो ही हैं। तो क्या है वो दो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट को अगर हम बात करें तो हम बांटते हैं सेल्फ रिपोर्ट पर्सनालिटी टेस्ट और दूसरा प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। सेल्फ रिपोर्ट एंड प्रोजेक्टिव। सेल्फ रिपोर्ट पर्सनालिटी टेस्ट वो हैं जहां पर हम सामने जिसकी पर्सनालिटी चेक करनी है उसी से पूछते हैं कि भाई तुम बताओ तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या है। तो मान लीजिए एक जॉब में आपसे पर्सनालिटी टेस्ट लिया जा रहा है और जो एप्लीकेंट है उन्हीं से पूछा जा रहा है, अच्छा ये बताइए आप कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। तो ये सीधा सीधा उन्हीं से पूछा जा रहा है और जो उनके आंसर है उन्हीं को कंसिडर किया जा रहा है। तो ये है सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, जहां पे सामने वाले से ही उसके बारे में पूछा जाता है। बट हर बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, उसके कई रीजन हैं। उसके रीजन ये हो सकते हैं कि सामने वाला झूठ बोल सकता है, जैसा कि सेल्फ रिपोर्ट की सबसे बड़ी कमी है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि सामने वाला इस लायक ना हो कि वो अपने बारे में बिल्कुल सही बता सके। ऐसा भी कभी कभी हो सकता है जब इमोशनली कोई डिस्टर्ब हो, तब हम यूज करते हैं प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट वो है जहां पे आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि आप बताओ आपकी पर्सनैलिटी में क्या है। आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, एक फोटो दिखाई जाएगी, एक वर्ड दिया जाएगा, और उस फोटो को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, उस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये वो वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, आपको वो यहां पे एक्सप्लेन करना होता है। और वो जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ेंगे साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट देखेंगे कि आपने वो वर्ड देख के, उस फोटो को देख के, उस पिक्चर को देख के क्या बताया है, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो वो कंक्लूजन निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर, और वो इनडायरेक्ट है। तो ये है इनडायरेक्ट इनका नेचर, और इनका नेचर है डायरेक्ट, सामने वाले से सीधा सीधा पूछ लो कि भाई आप बताओ आपकी पर्सनैलिटी में क्या है। तो ये है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। आपने देखा कि इसमें सामने वाले से सीधा सीधा पूछ लिया, इसमें इनडायरेक्टली हम कुछ और पूछ के कंक्लूजन निकाल रहे हैं पर्सनालिटी के बारे में। इनके साथ प्रॉब्लम यही है, डायरेक्ट होने की वजह से प्रॉब्लम क्या है, इसमें सामने वाला झूठ बोल सकता है, जो कि होता भी है, ये बहुत कॉमन है। तो सामने वाला झूठ बोल देता है एक जगह, एक क्वेश्चन का आंसर उसने जो दिया वही क्वेश्चन का आंसर दूसरी जगह को कुछ और दे देते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आंसर को बदलते रहते हैं। तो ये वाले टेस्ट जो है सेल्फ रिपोर्ट, ये है लेस रिलायबल, लेस रिलायबल। तो ये लेस रिलायबल है। बट यहां पे क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम सामने वाले से डायरेक्टली नहीं पूछ रहे, हम सामने वाले को फोटो, पिक्चर, डायग्राम, वर्ड कुछ भी दिखा के उससे पूछ रहे कि आप बताओ ये देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। तो सामने वाला अपना आंसर चेंज क्या करे, मतलब उसको तो वही दिख रहा है भाई ये फोटो जो है मेरे को इसमें कोई दिख रहा है, कोई बतख दिख रही है तो बतख ही दिख रही है हर बार, या बतख जैसा कुछ और दिख रहा होगा, कोई पक्षी दिख रहा होगा, तो बंदे के दिमाग में जो आ रहा है वो ऐसा चेंज नहीं होगा। और इसलिए ये जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है ये थोड़े से ज्यादा रिलायबल है, ये है मोर रिलायबल। तो सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट लेस रिलायबल है, प्रोजेक्टिव टेस्ट मोर रिलायबल है। अब अगर आप ध्यान से देखें प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है उनका नेचर, अगर हम बात करें उनका नेचर, तो ऐसी चीजें जहां पे सामने वाले का आंसर नहीं बदलता ऐसी चीजों को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहां पे ये ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट करते हैं सामने वाले की पर्सनालिटी की। तो इनके मेजरमेंट का स्टाइल क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ये है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट।
सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट में क्या है कि सामने वाला सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आंसर चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे सामने वाला देखता है कि मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया और मैं किस सिचुएशन में हूं, तो मेरे को क्या आंसर देना चाहिए। तो मान लीजिए आप एक जॉब में जाते हैं जहां पे आप बहुत अच्छे से सिलेक्ट होना चाहते हैं और वहां पे आपसे पूछा गया कि भाई आप बताओ आप झूठ कितना बोलते हो, और आपने बोला कभी नहीं बोलते। बट दूसरी तरफ मान लीजिए कि आपसे आपके घर में रिश्ते वाले आए हैं लड़का लड़की देखने, तो इस तरह से मान लेते हैं कि आपको लड़के वाले देखने आए हैं, आपको लड़की वाले देखने आए हैं, और ऐसी मजाक मजाक में उनके किसी भाई बंधु ने आपसे पूछ लिया कि आप झूठ कितना बोलते हो, और जो सामने लड़का या लड़की आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप चाहते हो कि रिजेक्ट हो जाए, तो आपने बोल दिया हमेशा बोलते हैं, आप बोल रहे हो हमेशा झूठ बोलते हैं। वही चीज जॉब में आप बोल रहे थे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर ही बदलता रहता है सामने वाले का सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जब इस तरह से हो रहा हो तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी ऑफ मेजरमेंट, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। तो सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट जो है वो है सब्जेक्टिव मेजरमेंट, सब्जेक्टिव मेजरमेंट। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट जो है वो है सब्जेक्टिव मेजर, और ये जो है ये है ऑब्जेक्टिव मेजर। और हमेशा याद रखना अगर आपको टूल्स यूज करने हैं, ये हम असेसमेंट में भी पढ़ेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर आपको किसी की पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए टूल्स यूज करने हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव वाले इन कंपैरिजन टू सब्जेक्टिव बेटर होते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव टूल सब्जेक्टिव के कंपैरिजन में बेटर होते हैं। रीजन ऊपर लिखा हुआ है, ये वाले लेस रिलायबल होते हैं सब्जेक्टिव वाले, क्योंकि यहां पे आंसर बदलता रहता है, और ऑब्जेक्टिव वाले मोर रिलायबल होते हैं। तो इनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ज्यादा है, इनकी कम है। अब ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी भरोसा जिन पे किया जा सकता है और डिटेल में आएगा असेसमेंट वाले चैप्टर में, तो हम वहां बात करेंगे। अब जरा इनके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं सेल्फ रिपोर्ट के और प्रोजेक्टिव टेस्ट के, और वो बहुत डीप में आपको नहीं पढ़ने हैं, बट थोड़े बहुत पढ़ने हैं तो मैं इसलिए बता दूंगा। तो मैं शॉर्ट में यहां पे लिखता हूं क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो एक तो आपको पढ़ना है एम एम पी आई, जिसका इंडियन नेम है जे एम पी आई। सबसे पुराना टेस्ट पर्सनैलिटी में सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट, सबसे पुराना जो बना वो था एम एम पी आई। इसका पूरा नाम है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। मिनेसोटा जो पहला एम है वो अमेरिका के एक स्टेट का नाम है जहां की साइकोलॉजी की लेबोरेटरी में पहली बार बना। इसका इंडियन वर्जन है जे एम पी आई, जे स्टैंड फॉर जोधपुर, जोधपुर की साइकोलॉजी की लेबोरेटरी में इसको इंडियन वर्जन इसका बनाया गया, तो जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। अब अगेन ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में जाके आपको हर टेस्ट पे जितने मैं यहां पे लिखूंगा क्या करना है, एक्चुअली टेस्ट का पूरा नाम वो टेस्ट किस साइकोलॉजिस्ट ने बनाया, तो ध्यान से सुनिए क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं। पहला, टेस्ट का पूरा नाम अगर कुछ है तो, वो टेस्ट किस साइकोलॉजिस्ट ने या एक से ज्यादा साइकोलॉजिस्ट ने बनाया, उन टेस्ट को कब बनाया गया, किस ईयर में वो आए, और उनसे दो से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखने हैं। जैसे कि अब एमएमपीआई की अगर मैं बात करूं तो इसमें 567 क्वेश्चंस हैं, 567 क्वेश्चन, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो एमएमपीआई किस ईयर में आया, किसने बनाया, कितने क्वेश्चंस हैं, इसका पूरा नाम क्या है, इस तरह के पॉइंट्स आपको याद करने हैं, और सिर्फ इसमें नहीं आगे जितने हम टेस्ट के नाम लिखेंगे। अब इसका एक इंप्रूव वर्जन जो अभी रिसेंटली चल रहा है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, वो मैं आपको बता देता हूं, नियो पी आई। नियो पी आई ये इंप्रूव वर्जन है एमएमपीआई का ही, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, ये आप गूगल से पढ़ सकते हो, कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है नियो पी आई कब आया, किसने बनाया, इसका पूरा नाम क्या है, और इसके बारे में दो से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, पर्सनालिटी के किस किस आस्पेक्ट को हम चेक कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बस। हालांकि इतना डीप में आया नहीं है अब तक, बस यही आता है कौन सा सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है, कौन सा प्रोजेक्टिव टेस्ट है, इस तरह के किसी का पूरा नाम पूछ लेते हैं। बट आप तैयारी कर रहे हो तो आप इनका थोड़ा सा डीप में पढ़ लो, गूगल से पढ़ लो, चाहे नियो पी आई के अंदर के दो से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ऐसी एमएमपीआई के बारे में भी दो से तीन। एमएमपीआई तो एनसीईआरटी से मिल जाएगा, ये आपको एनसीईआरटी से नहीं मिलेगा। और चलते हैं इसी में आगे, एक है आईजैंक, ई पी क्यू। फर्स्ट वीडियो में पर्सनालिटी की मैंने आपको बताया था कि एक साइकोलॉजिस्ट यंग ने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात करी, और सेम यही चीज और आगे रिसर्च में आईजैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने करी। तो आईजैंक ने अपना पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर बनाया, शॉर्ट में नाम है उसका ईपीक्यू, आईजैंक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर, नाम से पता चल रहा है आईजैंक ने बनाया, एक फैक्ट तो हमें पता चली गया, पूरा नाम है आईजैंक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर। अब आपको ये पता लगाना है कि ये क्या यूज में आता है, तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और थोड़ा सा और भी, ये सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए बस। और एक लास्ट और टेस्ट, 16 पर्सनालिटी फैक्टर।
16 personality factor questionnaire. अब आपको इसमें यही पता लगाना है कि पूरा नाम क्या है, वो तो पता चल रहा है, 16 personality factor, 16 तरह की personality को चेक किया जा सकता है, ये कैटल ने दिया था, ये सब फैक्ट आपको पता होने चाहिए, तो आप नोट्स बनाना अपने, इन टेस्ट के नाम लिखना, इनके बारे में बुक से एनसीईआरटी से पढ़ के दो से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह के लिख लिया करना। तो ये पढ़ने हैं आपको सेल्फ रिपोर्ट में, नाम आपको पता होना चाहिए, डीप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्टिव की। प्रोजेक्टिव में सबसे फेमस टेस्ट है रोर शास्ट इंक ब्लोट टेस्ट, रोशार्स इंक ब्लोट टेस्ट। तो इसमें स्याही का धब्बा होता है, उस स्याही के धब्बे से एक इमेज बना दी जाती है, उस इमेज को देखकर आपको जो भी दिमाग में आ रहा है वो लिखना होता है, वो बताना होता है, जो आपने बताया है वो एक साइकोलॉजिस्ट या कई साइकोलॉजिस्ट पढ़ के आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं, ये होता है इसमें। इसके तरह के और टेस्ट है टैट, टैट का पूरा नाम है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, इसके बारे में भी पढ़ना है। फिर आपका एक टेस्ट है रोजनविक्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, रोजनविक्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, इसके बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये पढ़ सकते हो। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और यहां पे एमएमपीआई EPQ 16, मतलब ये तो खैर सब पे क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। इनके बारे में आपको इंटरनेट एनसीईआरटी से जहां से भी मिले दो से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगे, या ज्यादा अगर तीन चार लग रहे हैं तो तीन चार देख लो, बस इतना। क्वेश्चन अब तक यही आते हैं, टेस्ट का नाम लेके पूछ लेंगे कौन सा प्रोजेक्टिव है कौन सा प्रोजेक्टिव नहीं है, इस तरह का। तो यहां पे खत्म होता है हमारा पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी टेस्ट भी आप पढ़ लेना, ठीक है, इंटरनेट से और एनसीईआरटी में है, डीप में क्वेश्चन नहीं आता इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट आप पढ़ लेना, यहां पे खत्म होती है आपकी पर्सनैलिटी, यहां पे खत्म होता है आपका डेवलपमेंट। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग की थ्योरीज पे, तो आगे चलते हैं लर्निंग पे, यहां पे खत्म पर्सनैलिटी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लर्निंग स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।